गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज एमडी वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे उर्दू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ग्रामर के वन लाइनर्स क्वेश्चन आंसर। अगर आप लोग कोर्स को परचेस करना चाहते हैं, कम वक्त में प्रिपरेशंस को अच्छी तरीके से करना चाहते हैं, तो कोर्स को परचेस कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर से। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, हुजू किसे कहते हैं? हुजू किसे कहते हैं? तो वह अशार जिसमें किसी की मजम्मत की गई हो, उसको हुजू कहते हैं। नेक्स्ट, नज़्म किसे कहते हैं? तो कलाम मौजू को नज़्म कहते हैं, इसमें वज़न, नगमगी, तरन्नुम और मौशिकियत भी होती है। नेक्स्ट है, मुरब्बा किसे कहते हैं? तो जिस नज़्म का हर बंद चार मिसरों वाला हो, उसे मुरब्बा कहते हैं। नेक्स्ट, शाबियत या बैतुल गज़ल किसे कहते हैं? तो गज़ल का सबसे अच्छा और सबसे मकबूल तरीन शेर बैतुल गज़ल कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा, बैतुल गज़ल किसी भी गज़ल का जो सबसे अच्छा जो मिसरा हो या गज़ल हो उसको, और सबसे मकबूल तरीन शेर हो, तो उसको बैतुल गज़ल कहा जाता है। नेक्स्ट, गज़ल कसीदा मसनवी मरसिया नज़्म रुबाई वगैरह क्या है? तो यह सब नज़्म कहलाती हैं। ओके, गज़ल कसीदा मसनवी मरसिया नज़्म रुबाई ये सब नज़में कहलाती हैं, या और यह एक्साम नज़्म में से हैं। मरसिया किसे कहते हैं? तो वह नज़्म जिसमें किसी मरने वाले की अवसाफ फ़ज़ाइल बयान किए जाएं, ओके, उसको मरसिया कहते हैं। तशबीब किसे कहते हैं? तो कसीदे के इब्तदाई अशार को तशबीब कहते हैं, और शायर मदह या हुजू करने से पहले बहार इश्क या शिकायत का ज़माना ज़िक्र करता है। ठीक है, नेक्स्ट, जिसमें हुस्न व इश्क का बयान हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे दास्तान कहते हैं। ओके, जिसमें हुस्न इश्क का बयान हो। नेक्स्ट, नावल की बुनियादी अनासिर क्या है? तो नावल की बुनियादी अनासिर दर्जा जेल हैं, जैसा कि देख सकते हैं, किस्सापन, माजरा, प्लॉट, किरदार, माहौल, जुबान व बयान, फ़लसफ़ा, हयात, टेक्निक, जज्बात निगारी वगैरह। उर्दू का अफसाना कौन सी सदी की सनफ है? ओके, उर्दू का जो अफसाना किस सदी की सनफ है? तो उर्दू का अफसाना 20वीं सदी की सनफ है। उर्दू में पहला ड्रामा किसने लिखा? तो उर्दू में पहला ड्रामा नवाब वाजिद अली शाह ने लिखा। ओके, नवाब वाजिद अली शाह। अफसाना इश्क क्या है? तो अफसाना इश्क एक ड्रामा है। ओके, अफसाना इश्क एक ड्रामा है। नेक्स्ट, इंशाइया का दूसरा नाम क्या है? तो इंशाइया का जो दूसरा नाम मजमून है। सबसे पहले उर्दू के मजमून निगार कौन है? तो सबसे पहले उर्दू के मजमून निगार सर सैयद अहमद ख़ान। नेक्स्ट, उर्दू में ज़राफ़त का आगाज़ किससे होता है? तो उर्दू में ज़राफ़त का आगाज़ मिर्जा सौदा से होता है, मिर्जा सौदा। तंज के कितने पहलू होते हैं? तो तंज के दो पहलू होते हैं, एक खुशनुमा और दूसरा तल्ख। ओके, खुशनुमा और तल्ख। उर्दू में तनकीद का आगाज़ किससे, कहाँ से होता है? उर्दू में तनकीद का आगाज़ कहाँ से होता है? तो उर्दू में तनकीद का आगाज़ मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के मुकदमा शेर व शायरी से होता है। नेक्स्ट, वन इज़ नावल किसे कहते हैं? तो इंसानी ज़ाहरी व बातिनी हकीकी ज़िंदगी के खासा को, ओके, इंसान के ज़ाहरी व बातिनी हकीकी ज़िंदगी के खासा को ही नावल कहते हैं। नेक्स्ट, नज़्म मुअर्रा सबसे पहले किसने लिखी? तो नज़्म मुअर्रा सबसे पहले इस्माइल मरेठी ने लिखी। आज़ाद नज़्म किसे कहते हैं? आज़ाद नज़्म वह नज़्म जिसके तमाम मिसरों का वज़न यकसा ना हो, यानी छोटे बड़े हो, आज़ाद नज़्म कहलाते हैं। वह नज़्म जिसके तमाम मिसरों का वज़न यकसा ना हो, यानी छोटे बड़े हो, आज़ाद नज़्म कहलाती है। अफसाना इश्क ड्रामा कब खेला गया? ओके, अफसाना इश्क ड्रामा कब खेला गया? तो यह ड्रामा 1843 में महल की चार दीवारियों में खेला गया। ओके, 1843 में महल की चार दीवारियों में खेला गया। ड्रामा का अहम जुज़ क्या है? तो ड्रामा का अहम जुज़ मकालमा है। ओके, ड्रामा का ऐसे भी बहुत सारा है, मकालमा, किरदार, प्लॉट, स्टेज, लेकिन मकालमा सबसे इम्पॉर्टेंट है। दांत काटी रोनी होना, ओके, दांत काटी रोटी होना मुहावरे का मतलब क्या है? तो गहरी दोस्ती होना। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पेज को करेंगे। ये था इंपॉर्टेंट उर्दू से रिलेटेड ग्रामर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।